नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपका दोस्त मृत्युंजय पुरी। धर्मशाला नगर निगम में चुनाव जो हैं वे हो चुके हैं और नगर निगम में 8 सीटों पर भाजपा ने जो है अपनी जीत दर्ज करवाई है। 5 सीटों में कांग्रेस जो है वे आई है और 4 जो है आजाद उम्मीदवार भी मैदान में आए हैं। विशाल नहरिया जो धर्मशाला के विधायक है वे हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय पुरी जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने धर्मशाला की स्थानीय जनता का, प्रभु जनता का, कि आपने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, हमको आशीर्वाद दिया है और धर्मशाला में एक जबरदस्त जीत जो है वो आप सभी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की हुई है। नगर निगम में सरकार बनाने के लिए अभी भी जो है एक व्यक्ति की आवश्यकता है। नगर निगम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि बाकी जो अन्य जीते हुए प्रत्याशी आए हैं आजाद प्रत्याशी के रूप में, वे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में गए थे? पूरी सरकार जो है यहाँ लगी थी, केंद्रीय मंत्री भी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए थे। दृष्टिपत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और बहुत बड़ा जनमत हम लोगों को लगातार निरंतर जो है वो पूरे प्रदेश में और धर्मशाला में मिलता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास लोगों का बढ़ता जा रहा है और निश्चित तौर पे हम लोगों के इस विश्वास पर आने वाले समय में हम लोग खरा उतरने वाले हैं। मिलकर हम लोगों के साथ संवाद करके जो है उनके हित के लिए, जो है धर्मशाला के लिए जो है हम लोग काम करने वाले हैं। माने कि जो स्मार्ट सिटी के काम रुके पड़े थे, जो केंद्र से फंड आ रहा था, वे सारा जो है अब यहाँ पर यूटिलाइज होगा? बिल्कुल होगा। और पिछले 3 सालों में जब से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, तब से ही हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को गति दी है और कहीं ना कहीं जहां कमी हम लोगों को नगर निगम में मिल रही थी, अब उस नगर निगम में भी हम लोग तेजी से जो है उसमें काम करने वाले हैं, क्योंकि नगर निगम हम लोग बहुत जल्दी यहाँ धर्मशाला में स्थापित करने वाले हैं। एक जो थोड़ा सा लोगों में चर्चा का विषय जो है बना हुआ है, 15 नंबर वार्ड और 17 नंबर वार्ड जो है, क्योंकि 15 नंबर से किशन कपूर जी सांसद हैं और 17 से आप खुद जो हैं वहाँ के निवासी हैं। देखिए, जनमत है और जनमत लोगों ने दिया है। 17 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस तो बिल्कुल ही खत्म है। पूरे नगर निगम में कांग्रेस जो है वो बिल्कुल खत्म सी दिखी है और 17 नंबर वार्ड में जाएंगे तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं दिखी है कांग्रेस। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही दूसरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे और पहले नंबर पर भी अगर वो जीते हैं तो मात्र 5 मतों से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर कैंडिडेट पीछे रही हैं। तो मुझे वहाँ पर मतलब पूरा विश्वास है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे। तो किस तरह देखते हैं, ऑल ओवर अगर बात की जाए, कब तक जो है मेयर और डिप्टी मेयर का जो है वे घोषणा आप कर देंगे या अभी इसको समय लगेगा? जैसे ही इसकी तिथि आएगी, जिस तिथि को इसका हम लोगों को स्थापित करना है, उस दिन पहली तिथि में भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर की घोषणा करेगी और उनके नेतृत्व में इस नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और अच्छा एक सुदृढ़ प्रशासन के साथ हम लोग मिलकर नगर निगम में काम करने वाले हैं, लोगों की आशाओं पर खरा उतरने वाले हैं और जिस विज़न को लेकर हम लोग काम करना चाहते हैं धर्मशाला में, उस विज़न को भी हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस का ये कार्यकाल रहा था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्यकाल इस नगर निगम में रहा है। लोग बहुत हताश हुए हैं और लोगों को सिर्फ निराशा मिली है। सबसे पहले डर का माहौल जो है इस नगर निगम में हम लोगों के लिए ख़त्म करेंगे, क्योंकि लोग बहुत उम्मीदों के साथ इस नगर निगम कार्यालय में आते हैं, उन उम्मीदों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है और उन उम्मीदों को हम लोग मिलकर जो है सभी नगर निगम के हमारे जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, पार्षद हैं, वे सारे जो है वहाँ पर पूरे किए जाएंगे। जो मेयर और डिप्टी मेयर है, क्योंकि अहम भूमिका उनकी रहेगी, सरकार जो है एक तरफ से नगर निगम में भी एक सरकार जो है वो चलती है, और मेयर और डिप्टी मेयर किस तरह के जो है वे चुने जाएंगे? क्या महिला मेयर होगी भी जनता जानना चाहती है, महिला मेयर को जो है आप बिठाएंगे सत्ता में? क्योंकि जनरल जो है इस समय ओपन है, कोई भी व्यक्ति जो है वे मेयर इस समय बन सकता है, तो किस तरह देखते हैं? हमारे इसमें पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व इसमें निर्णय करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ध्यानार्थ है सारा विषय और जैसा भी दिशा निर्देश हम लोगों को पार्टी की तरफ से आएगा तो उस दिशा निर्देश का यहाँ पर हम लोग पालन करेंगे और उनके आदेशानुसार ही यहाँ पर जो है मेयर और डिप्टी मेयर बनाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे विधायक विशाल नहरी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मेयर और डिप्टी मेयर जो है उनका बनने जा रहा है और इसकी घोषणा जो है वे जल्द कर दी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों ने जो विश्वास जताया उसका धन्यवाद करते हुए भी विधायक यहाँ पर दिखाई दिए। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।